हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस किया था, इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं कि डीसी मशीन में और कौन कौन से मशीन और कौन कौन से मोटर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी लिस्ट में अगला नंबर आता है डीसी शंट मोटर। ठीक है, कल हमने देखा था डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है और उसके इक्वेशन कैसे बनते हैं और उससे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आज उसी सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डीसी शंट मोटर। ठीक है, अब डीसी शंट मोटर होता क्या है? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि डीसी सीरीज मोटर मतलब जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है तो उसे डीसी सीरीज मोटर कहते हो। ठीक है, सिमिलरली इसके जैसे ही जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल समांतर कनेक्ट होती है तो उसे आप डीसी शंट मोटर कहते हो। ठीक है, तो आपको बोर्ड में डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है, देखिए इसमें जो आर्मेचर है आर्मेचर के पैरेलल में क्या लगा हुआ है आपका डीसी फील्ड वाइंडिंग। तो मतलब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्या है, पैरेलल है। यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट होती है तो वह मशीन कौन सी होती है, वह आपकी डीसी शंट मोटर होती है। यहां तक समझ में आया? अब बोर्ड देखिए क्या क्या लिखा उसमें, डीसी शंट मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सप्लाई के स्रोत के साथ समांतर क्रम में होता है। ठीक है, मतलब आर्मेचर और आपका फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, दोनों समांतर क्रम में होगा। अब इसकी डीसी शंट मोटर का आपका यूज क्यों पड़ा, जहां पर आपकी मशीन कम लोड की हो, कम लोड और जहां पर कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है, नियत चाल की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप डीसी शंट मोटर का यूज करते हो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज मोटर का यूज आप कहां करते हो, जहां स्टार्टिंग टॉर्क लगता है वहां पर डीसी सीरीज मोटर का यूज करोगे, और डीसी शंट मोटर का यूज कहां करोगे, जहां आपको नियत चाल या इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है, वहां पर आप डीसी शंट मोटर का यूज करोगे। ठीक है, डीसी शंट मोटर का इनिशियल टॉर्क बहुत कम होता है। ठीक है, देखो लिखा है इसमें शून्य भार पर मोटर चालू करने पर टॉर्क कम होता है। शून्य भार मतलब मोटर पे यदि कोई लोड नहीं हो तो उसका इनिशियली टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यदि मशीन पर कोई लोड नहीं है तो उसका टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपटों की बनाई जाती है। ठीक है, सुनना क्या बोल रहा है, शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार एवं अधिक लपटों की बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है और कम लपटे होते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा किस में होता है, शंट मोटर में। शंट मोटर में जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार की बनाई जाती है और पतले तार होने के कारण लपटों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। लपटों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात याद रखना, सबसे पहला जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगाओ तो उसे शंट मोटर कहते हैं। शंट मोटर का यूज आप कहां करोगे, जहां पर आपको नियत चाल की जरूरत होती है वहां पर आप शंट मोटर का यूज करोगे। ठीक है, शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो पतले तार की बनी होती है और अधिक लपटों की बनी होती है। ठीक है, और एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डीसी शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां तक समझ पाए? अब हम आगे देखते हैं कि डीसी शंट मोटर का स्टैटिक डायग्राम क्या होता है और स्टैटिक डायग्राम से आप उसके फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये डायग्राम है डीसी शंट मोटर का, ये आपका आर्मेचर है और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग। जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी होती है तो उसे डीसी
शंट मोटर क्या कहते हैं, डीसी शंट मोटर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। एक इक्वेशन आप केवीएल से लिखोगे, एक इक्वेशन आप केसीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो देखना ये आपने क्या लगाया, बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है वी। जैसे आपने बैटरी लगाया इसमें धारा प्रवाहित हुई आई। आई इस पॉइंट पर आके दो भागों में बट गया, एक रास्ता उसको यहां पर दिख रहा है, एक करंट आर्मेचर में जाएगा जिसे मैंने आई ए नाम दिया, एक करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगा जिसे मैंने आई एस एच नाम दिया। ठीक है, इसे फील्ड वाइंडिंग भी कहते या शंट मोटर की केस में इसको शंट वाइंडिंग भी कहते। क्लियर है, जो कि आपका एक्चुअल में है क्या, फील्ड वाइंडिंग। ये कहां पर होगी, स्टेटर में होगी। ये कहां पर होगी, रोटर में होगी। ठीक है, रोटर के रेजिस्टेंस को मैंने आर ए नाम दिया और फील्ड के रेजिस्टेंस को मैंने आर एस एच नाम दिया। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कि आई जो है इस पॉइंट पर आके दो भागों में बढ़ गया, तो आई कितने भागों में बटा, आई बराबर होता है आई ए प्लस आई एस एच। ठीक है, आई यहां पर गया, यहां से दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी होगी, आई ए प्लस आई एस एच। यहां तक क्लियर हो पा रहा है। अब इस सर्किट में मैंने केवीएल लगाया, सर्किट में क्या लगाया, केवीएल। तो मैंने आपको कल बताया था केवीएल कैसे लगाते हैं, इसमें एक धारा मानो मैंने माना कि आई धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, तो माइनस से प्लस में जाते तो वोल्टेज को ले क्या लेते, माइनस वी। ठीक है, इसके बाद आप घूम के यहां पर आए, प्लस से माइनस में आएंगे तो क्या लेंगे, प्लस ईबी। ईबी क्या है, आपका विरोधी विद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में कहते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, जैसे आई आर ए कहते हैं, और रेजिस्टेंस को हमेशा काय में लेते, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या आएगा, आई ए आर ए बराबर जीरो। वी को बराबर को उधर ले जाओगे तो वी बराबर आई ए आर ए प्लस ई बी। ये क्या हो गई आपके शंट मोटर की इक्वेशन। तो शंट मोटर में कितनी इक्वेशन आती है, दो, एक आती है करंट की इक्वेशन, एक आती है वोल्टेज की इक्वेशन। यहां तक समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका डीसी शंट मोटर, ये डीसी शंट मोटर का करंट का इक्वेशन और ये डीसी शंट मोटर का वोल्टेज इक्वेशन। यहां तक समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए डीसी शंट मोटर के उपयोग, मतलब डीसी शंट मोटर आप कहां का यूज करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या लिखा है, डीसी शंट मोटर का उपयोग कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए किया जाता है। मतलब वह मशीन जिसका लोड क्या हो, कम हो, और जिसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। जहां पर आपको कम लोड और कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ेगी वहां पर आप डीसी शंट मोटर लगाओगे। बात समझ में आ रहा है, जहां पर आपको कम लोड और कांस्टेंट स्पीड मतलब स्थिर चाल की जरूरत होती है वहां पर आप डीसी शंट मोटर लगा दो। जैसे कि लकड़ी का रंदा, ठीक है, जैसे लकड़ी काटने की मशीन आती है तो वो जो ग्राइंडर घूमता है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है, जो कटर घूमता है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है, तो उसमें जो मोटर लगी रहती है वो आपकी डीसी शंट मोटर होता है। गोलीय आरी, जो आरी मशीन आता है, ठीक है, जो आरी मशीन आती है, जो आरी मशीन भी जो ऊपर नीचे हो रही है वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे होती है, तो उसमें भी जो मोटर लगा है वो भी डीसी शंट मोटर है। ग्राइंडर, ग्राइंडर आप लोगों ने सबने देखा है, उसमें जो मोटर यूज होती है वो डीसी शंट मोटर होती है। पॉलिशर, ठीक है, गाड़ियों में देखा होगा पॉलिश करने की मशीन आती है जो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूमने का मतलब उसके पीछे कौन सी मोटर लगी है, डीसी शंट मोटर। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, जब आप मोटर जनरेटर को सेट करोगे तब दोनों एक ही स्पीड से घूमना चाहिए, मोटर और जनरेटर दोनों एक ही स्पीड से घूमना चाहिए। इसके लिए आप वहां पर कौन सा मोटर का इस्तेमाल करते हो, डीसी शंट मोटर। क्यों करते हो, क्योंकि डीसी शंट मोटर का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, वो कभी भी नहीं बदलता। तो टोटली मिलाकर बात ये है कि जहां आपको कम लोड और कांस्टेंट स्पीड मतलब नियत चाल की जरूरत होती है वहां आप डीसी शंट मोटर यूज करते हो। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक।